हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और अभी मैं मतलब वीडियो की शुरुआत सुबह 9 बजे से कर रही हूँ। अभी सिर्फ हमारा हो रखा है नाश्ता और बाकी यहाँ देखो, जब घर में अलमीरा नहीं रहती है तो मतलब कपड़ों को संभाल के रखना बहुत बड़ा टास्क है। मतलब मिले तो बहुत बड़ा टास्क है, इसलिए मैं ऐसे मतलब कपड़े रखने के लिए ऐसे ये साड़ी बैग हैं तो मैं इनको लेकर आई थी। इनमें मैंने कपड़े पैक कर रखे हैं, पर बड़ा मुश्किल होता है यार इनमें भी कपड़े रखना, फिर उतारना। मनन तो दिन भर उनको निकालता रहता है उनसे कपड़े। तो जैसे इसमें मैंने बताया था ना, जब मैं रखूँगी तो दिखाऊँगी, ये मैंने इसमें साड़ियाँ रखी हैं। अभी मैं फिर कपड़े रख रही हूँ ना, तो इसको इग्नोर कीजिए, पीछे का मैंने सारा ऊपर फेंका हुआ है वो। तो ये देखिए, जैसे मेरी ये येलो साड़ी, गोल्डन साड़ी, मल्टी कलर साड़ी, मतलब सारा यहीं से हमें दिख जाएगा। वैसे भी मैंने ढंग से नहीं रखा है, तो इसमें जैसे मैंने मम्मी के पापा के गर्म कपड़े रखे हैं तो पता चल रहा है स्वेटर कहाँ पर है, कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है। और तो बस यही दिखा रही थी, इसमें बाकी मनन के कपड़े रखे हैं मैंने। अभी मैं मतलब कपड़े धो रही हूँ, घर के काम अभी ख़त्म भी नहीं हुए और एक पार्सल आ गया, तो चलो फटाफट से इसे अनबॉक्स करते हैं। मैंने शॉर्ट्स वीडियो के लिए बनाई थी, अगर आप लोगों को फुल वीडियो चाहिए, फुल रिव्यू चाहिए, तो मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से इसका फुल रिव्यू दूंगी। बहुत ही प्यारी ज्वेलरी आई थी, मतलब मैंने सोचा भी था कि इतनी प्यारी आ सकती है और इतनी कम प्राइस में। ऐसा लग रहा था मतलब बिल्कुल रॉयल लुक लग रहा था, ट्रेडिशनल ज्वेलरी थी। तो देखिए कैसा आया है, और बहुत ही प्यारा अच्छे से पैक होके आई थी। वो बबल पैक होता है ना, जो इसमें वो बबल रैपर रहता है, उसमें पैक होके आई थी और बहुत ही प्यारी आई थी। मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है, पता नहीं मेरे पे कैसे लगेगी। मैंने जब शीशा में देखा तो बहुत अच्छी लग रही थी। तो मतलब आप लोग जा सकते हैं इस ज्वेलरी के साथ, अगर आप लोगों को पसंद आई होगी। इसीलिए थोड़ा सा स्किन में छोटी लग रही है, मैंने उसी के लिए सूट करी थी। मैंने सोचा चलो इसमें मैं दिखा देती हूँ आपको कि मैं क्या लेके आई हूँ। तो दिल थाम के रहिए, बहुत ही सुंदर ज्वेलरी है। देखिए इतनी खुशी हुई कि हम मार्केट चले गए माता रानी के दर्शन करने। यहाँ पे मतलब माता रानी के 9 रूपों के बारे में दिखाया गया है। यहीं त्रिवेणी घाट के लेफ्ट मतलब राइट साइड पे है, जब आप नीचे के लिए जाओगे तो राइट साइड पे है। मंदिर में यहाँ पे पूरा सजाया हुआ था, शाम को यहाँ पे ऐसी सजावट मिलेगी आपको। तो हमने सोचा चलो भोलेनाथ के भी दर्शन कर लेते हैं, माता रानी के घर जल्द तो भी होगा। यहाँ पे बच्चे बड़े मन से भोलेनाथ की पूजा कर रहे थे, और हमने सोचा चलो हम भी यहाँ पे पूजा। अब मनन के आपने देखा होगा, पूजा भी हो गई है। अभी टाइम हो रहा है, कितना हो रहा, 8:30 होने वाला है। और मनन के पापा का फोन आया कि हाट चलेंगे। हाट मतलब जहाँ पे
यहाँ पे जैसे बाजार लगता है ना, बाजार में सब्जियाँ मिलती हैं। हाँ सब्जियाँ मिलती है वहाँ पे, मतलब कि जैसे बाजार लगता है ना और जगहों पे, कहीं पे बाजार बोलते हैं, तो यहाँ पे हाट लगता है, वहाँ पे सब्जियाँ कपड़े मतलब बहुत सारे चीजें मिलते हैं। तो हम जा रहे हैं सब्जी लेने, तो जितना भी होगा उधर भी दिखा देंगे थोड़ा अपने साथ, आपको देख सकते हैं सब्जियाँ क्या क्या मिल रही हैं आजकल, तो वो दिखाएंगे आपको उधर, और फिर घर आके जो भी होगा वो अपडेट करेंगे, नहीं होगा तो वीडियो का एंड कर लेंगे। ठीक है, इधर चल रहा है मनन का डांस, वो कपड़ों को इग्नोर कीजिए। कुछ नहीं यार। तो ये है मनन का डांस, मनन एनुअल फंक्शन की तैयारी कर रहा है, तो उसके बाद ये बस चिढ़ता रहता है दिन भर। ये देखो ये है ब्लॉगर के हाल, और दूध यहाँ पे गिर चुका है मेरा, मतलब पूरा जो भी था ना, जो मेरी रील देखी आपने इंस्टा पे, अब भी मैंने ये साफ किया था और अभी ये कांड हो गया मेरे साथ। इधर मैंने चाय बनाने रखी थी, तो क्या करें। इससे पहले आपने देखा था ना मैंने फ्राई पैन कैसे जला के रखा था, तो आज ये वाला कांड कर लिया, दूध गिर गया, पूरा दूध गिर गया इसमें। क्या बात है, तेरे ड्रेस ड्रेस में 50 के 50 के दो एक किलो 20 का, 2 किलो 30 का टमाटर मशरूम 50। अब हम आ चुके हैं घर और टाइम हो गया है 9:30। इधर हमने सब्जी रख दी है, कद्दू, फली वाले बीन्स, और पता नहीं क्या क्या लिखा है। मनन ने खाया बर्गर और मैंने खाए गोलगप्पे, तो अभी मैं बना रही हूँ चाय। चाय पी के खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।